नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत करता हूँ। मैं योगा टीचर हूँ बिहार स्कूल ऑफ योगा से, और मैंने क्रिया योग सीखा है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया रांची से। MSc हूँ स्पिरिचुअलिज्म में। तो आज का मेरा टॉपिक है क्रिया योग क्या है। आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा क्रिया योग शब्द, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रिया योग है क्या और इसे कैसे सीखा जा सकता है और कहाँ से सीखा जा सकता है और इसको सीखने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या आध्यात्मिक तरक्की हो सकती है और क्या भौतिक तरक्की हो सकती है। तो ये एक अति प्राचीन योग पद्धति है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये नई चीज़ नहीं है, इतने प्राचीन चीज़ है, प्राचीन चीज़ है कि आप सोच नहीं सकते। और इसका जिक्र भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी किया था, और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का जो संदेश है अर्जुन को देते हुए तब भी ये बताया था कि ये विधि बहुत प्राचीन है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो ये विद्या है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है और इतनी प्राचीन है कि सृष्टि के आरंभ में ही इस विद्या का श्री गणेश हो गया था। भगवान सूर्य ने मनु को ये चीज़ सिखाई थी, तो सृष्टि के आरंभ में ही जो ये इसका शुरू हो गया था क्रिया योग जो है। तो बहुत ज़्यादा प्राचीन विधि है और टॉप सीक्रेट विधि है ये, टॉप सीक्रेट। तो इससे टॉप सीक्रेट क्यों है, इससे क्या फ़ायदा होगा, और आधुनिक समय में जो आज का समय है, पिछले कुछ सालों से लगभग सन 1861 से महाअवतार बाबा जी, ये महाअवतार बाबा जी का ही साथ में जो है पिक्चर है, इनके द्वारा इन्हीं के महान शिष्य श्री लाहिरी महाशया जी, आपने नाम सुना होगा लाहिरी महाशया जी का, भारत के महान संतों में से एक हैं। सन 1861 के आसपास इस योग को, इस गुप्त योग को पुनर्जीवित किया गया और परमहंस योगानंद जी की पुस्तक एक योगी की आत्मकथा, जिसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बोला जाता है इंग्लिश में, उसके माध्यम से इसका जन जन में प्रसार हुआ। यानी लोगों को मालूम पड़ा। उस वो पुस्तक एक बड़ी अनूठी पुस्तक है, उस पर भी मेरा वीडियो है, आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। वो एक दुनिया की सबसे अनूठी पुस्तक है जिसमें एक योगी की आत्मकथा है, उसी में क्रिया योग के बारे में बताया गया है। और हज़ारों लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, लाखों लोगों ने नहीं, हज़ारों ने नहीं, लाखों लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा और उसके बाद जो है क्रिया योग सीखने के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने सीखा भी सही। तो तीव्र गति से सारे विश्व में इसका फैलाव हुआ, तीव्र गति से। यानी कि ये इतनी सीक्रेट चीज़ है और इतनी विशेष चीज़ है, खाली सीक्रेट तो है ही। और इसका मजे की बात है कि हमारे भौतिक जीवन पे और हमारे आध्यात्मिक जीवन पे बराबर में असर रहता है। तो ये हमारे भौतिक जीवन को भी अच्छा करती है और आध्यात्मिक जीवन को भी अच्छा करती है। फैला किन से, लहरी महाशया जी की माध्यम से। क्रिया योग जल्दी भारत भर में फैल गया था और लहरी महाशया के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर जी और उनके शिष्य योगानंद जी ने 20वीं शताब्दी में के दौरान USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में क्रिया योगा का प्रसार किया। तो पूरे यूरोप में इसका फैलाव हुआ और बाद में इंडिया में आया। मजे की बात ये है, लहरी महाशया के शिष्यों में शामिल थे जो युक्तेश्वर जी हैं और उनके अपने कनिष्ठ पुत्र तीन कोड़ी लहरी और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और पंचानंद भट्टाचार्य, स्वामी पर्णवानंद जी, स्वामी केवलानंद जी, स्वामी केशवानंद जी और भूपेंद्रनाथ सन्याल, ये सभी संत बड़े उच्च कोटि के संत थे और ये लहरी महाशया जी के शिष्यों में ही थे। और इन्होंने भी क्रिया योगा को अलग अलग सत्र पे प्रसार करने में हेल्प की, इन्होंने भी अलग अलग सत्र पे क्रिया योग की प्रसार करने में हेल्प की। तो इधर से योगानंद जी ने इसका प्रसार किया, उनकी तो ऑटोबायोग्राफी और फिर पुस्तक से तो ये क्रिया योग का सबको मालूम पड़ा कि क्रिया योग है क्या। और साथ में जो और इनके संत थे, शिष्य थे, संत लोग, उनकी उन्होंने भी इसका प्रचार किया और आज भी उनकी संस्थाएं, आज भी वो लगे हुए हैं इसको प्रसार करने में।
तो ये इसको माना जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का विमान मार्ग है, यानी कि क्रिया योग जो है ईश्वर बोध और यथार्थ ज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। और ये जो है विमान मार्ग, मैंने कहा है कि बड़ी अति तीव्र गति से हम लोग इसमें जो उन्नति करते हैं, अति तीव्र गति से इसमें उन्नति करते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार क्रिया योग एक सरल मन कायिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित तथा ऑक्सीजन से परिपूरित हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु जीवन प्रवाह में रूपांतरित होकर मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों को नव शक्ति से पुनः पूरित कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे क्या है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन का जो मात्रा है शरीर में बढ़ जाती है, पूरा शरीर जो है, जो रक्त है, कार्बन से रहित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रहित हो जाता है और ऑक्सीजन से भर जाता है। और उससे अणुप्रवाह में जो हमारा रूपांतर होकर मेरुदंड में जो हमारे चक्र हैं, 7 चक्र, उनको नव शक्ति से पुनः पूरित कर देते हैं। तो अगर देखिए, दो फायदे हो गए, एक तो आध्यात्मिक तरक्की होगी, दूसरा आपका ब्लड प्यूरिफाई हो गया। ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो ना खाली आध्यात्मिक तरक्की में योगदान देगा और आपका जो आपका शरीर को भी ठीक रखेगा। तो विमान मार्ग इसको कहा गया है कि बहुत जल्दी से हम लोग इसमें साक्षात्कार के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अब इसका अभ्यास या इसको कैसे सीखा जा सकता है, देखिए क्रिया योग पारंपरिक रूप से ही चल रहा है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। किसी बुक से पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, ऑनलाइन कोर्स से नहीं सीखा जा सकता। और महाअवतार बाबा जी ने लहरी मास्टर जी को क्रिया योग को गुरु शिष्य परंपरा से प्रचारित करने को ही कहा था। और क्योंकि जो सोर्स है, मेन सोर्स महाअवतार बाबा जी हैं, उन्होंने जैसा कहा था तो वैसा ही करना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखना चाहिए। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे रांची में है YSS ऑफ इंडिया, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा लहरी महाशाह जी के जो पुत्र हैं, उनके अब पौत्र हो चुके हैं आगे, वो भी इसको आगे बढ़ाए हुए हैं। इस तरीके से उनके जो और शिष्य हैं, भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने, अशोक भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने भी जो है क्रिया योग, उनकी संस्थाएं भी क्रिया योग सिखा रही हैं। भूपेंद्र नाथ सन्याल जी की संस्थाएं भी क्रिया योग सिखा रही हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे तो सिखाने के लिए आपको बहुत सारे जो संस्थाएं मिल जाएंगी। लेकिन कभी भी ये भूल मत कीजिएगा कि आप लोग क्रिया जो है, कोई ऐसा आदमी सिखाने आ जाए कि जो अथॉन्टिक ना हो, यानी कि वो आपको ये कह दे कि मैं नेट से सिखा दूंगा या मैं लेटर से सिखा दूंगा, तो वो ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जो इसके सोर्स हैं क्रिया योग, जिन्होंने पुनः इसको प्रकट किया इस विश्व में दोबारा भगवान श्री कृष्ण के बाद, वो महाअवतार बाबा जी हैं। और उन्होंने स्ट्रिक्टली इस बात को कहा था कि ये गुरु शिष्य परंपरा से ही प्रचारित होना चाहिए, किसी और चीज़ से प्रचारित नहीं होना चाहिए। तो अब परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी, जो क्रिया योग को फैलाव में जिनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे विश्व के लिए, सारे इधर आपका USA में और जितने भी उधर के देश हैं वहाँ पे, एक क्रिया योगी अपनी जीवनदायिनी प्राण ऊर्जा को मानसिक रूप से नियंत्रित कर सकता है ताकि वह रीढ़ की हड्डी के 6 चक्रों के केंद्रों के इर्द गिर्द ऊपर या नीचे की ओर घूमता रहे। तो ये एक, इसका थोड़ा सा हिंट दिया हुआ क्रिया योग में, जैसे कुछ इस तरह की कोई क्रिया होती है तो उसका थोड़ा बहुत हिंट दिया हुआ है। क्योंकि सिखाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं भी आपको ये बताऊंगा नहीं, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, जो मुझे, जो हिंट देने के लिए कहा गया है, इतना हिंट आप दे सकते हैं, उतना हिंट दे रहा हूँ कि एक क्रिया योगी अपनी जीवनदायिनी प्राण ऊर्जा को मानसिक रूप से नियंत्रित कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, ताकि वह रीढ़ की हड्डी के 6 केंद्रों हमारे चक्रों के इर्द गिर्द ऊपर व या नीचे की ओर घूमता रहे, यानी कि उसकी प्राण शक्ति को मानसिक रूप से घुमाता रहे। और सबसे विशेष बात, मनुष्य के संवेदनशील रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द ऊर्जा के 1.5 मिनट का चक्र उसके विकास में तीव्र प्रगति कर सकता है, जैसे आधे मिनट का क्रिया योग का 1 वर्ष का प्राकृतिक आध्यात्मिक विकास के 1 वर्ष के बराबर होता है। यानी कि अगर आधा मिनट आपने क्रिया योग कर लिया, अगर आप नेचुरल रूप से किसी भी और तरीके से आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको एक
वर्ष लगता, यहाँ आपको केवल आधा मिनट लगेगा। सबसे हैरान कर देने वाली बात है। तभी इसको विमान मार्ग कहा गया है। ये बैलगाड़ी वाला मार्ग नहीं है, ये कार का भी मार्ग नहीं है, ये रेलगाड़ी का भी मार्ग नहीं है, ये बुलेट ट्रेन का भी मार्ग नहीं है, ये विमान मार्ग है। इतनी तीव्र गति से ये आपकी हेल्प करता है कि आप सोच नहीं सकते। आधे मिनट का क्रिया योग, यानी कि एक क्रिया आधे मिनट में होती है, और वो एक वर्ष के प्राकृतिक आध्यात्मिक विकास के एक वर्ष के बराबर होता है। तो स्वामी सत्यानंद जी ने भी, स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती ने भी क्रिया योग पे खूब काम किया है। उनके अनुसार क्रिया साधना को ऐसा माना जा सकता है कि जैसे ये आत्मा में रहने की पद्धति की साधना है, अपने आप में रहना, आत्मा में ही रहना। जब आप आत्मा में रहना शुरू कर देंगे तो आप जो सिक्स सेंसेस हैं उनके प्रहार से बच जाएंगे। क्रिया योग आपको इस स्थिति में लेके जाता है कि आप अपनी आत्मा में रहना सीख जाते हैं। उसके बाद है प्रसार के जो माध्यम रहे, जो जीसस क्राइस्ट ने हमारे जो क्रिश्चियनिटी के, और भगवान श्री कृष्ण हैं हिंदुइज्म के, और बाबा जी हैं, बाबा जी बियॉन्ड रिलीजन हैं, लहरी माशा जी बियॉन्ड रिलीजन हैं, और स्वामी युक्तेश्वर जी बियॉन्ड रिलीजन हैं, और परमहंस योगानंद जी बियॉन्ड रिलीजन हैं। इन सब के जो डिसाइपल्स हैं, शिष्य हैं, वो एक धर्म से नहीं हैं, कई धर्मों से हैं, कई धर्मों से हैं। और इन्होंने कभी भी जो है धर्म को लेके कभी कोई बात नहीं की, कभी कोई टिप्पणी नहीं की। और स्वामी योगानंद जी ने पश्चिम के साथ तालमेल बिठाते हुए भगवान कृष्ण और जीसस क्राइस्ट को इक्वली रिस्पेक्ट देते हुए और दिलवाते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाया था। तो ये प्रसार के माध्यम हैं जिन गुरुओं की हम क्रिया योगा में आराधना करते हैं, उनकी जो है ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वो हमारे प्रसार के माध्यम हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस चैनल जिसका नाम है योगा माई लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह की जानकारियाँ जो हैं समय समय पर देता रहूँगा जो आपके लिए बेनिफिटेड होगी। तो क्रिया योग अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में अगर मुझे अपना नंबर डाल देंगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा और आपको बता दूँगा कि इसके लिए करना क्या है। तो आप कीजिए, एक बिल्कुल नई चीज़ है, एक गुप्त योग है, इसको सीखना चाहिए। इसमें वाकई में ही इसमें हेल्प मिलती है, वाकई में ही इसमें तरक्की होती है। मैं इसको पिछले लगभग आप ये लगा लीजिए 10 सालों से कर रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो आप भी वो उस आनंद का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्रिया योग अपनाने के बाद मेरी फिजिकल जो हेल्थ है वो बहुत बढ़िया है, और मेरा जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है वो बहुत बढ़िया है। मेरे अंदर नेगेटिविटी चली गई है, मेरे अंदर से पॉजिटिव विचार बने रहते हैं, दूसरों को भी मैं पॉजिटिव विचार देता रहता हूँ। तो आप सब भी अपनी जीवन में ये सब कुछ चाहते हैं तो कृपया आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो जस्ट अपना मोबाइल नंबर मेरे इस कमेंट्स में लिख दीजिए, तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको जहाँ भी आप रहते हो उसके आसपास की प्रॉपर जानकारी कि यहाँ से आप सीख सकते हैं मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।